नमस्कार, जो मैं आज खबर लेकर आया हूँ शायद आपको थोड़ी सी अलग लगे, क्योंकि अमूमन जब हम उपहारों की बात करते हैं तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मांगता है या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देता है। लेकिन इस बार ये उपहार वाली जो प्रणाली है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा मोदी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांगी गई है, वो भी इस 15 अगस्त। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुप्रीम कोर्ट को, माननीय सुप्रीम कोर्ट को क्या वो उपहार दे पाएंगे इस इंडिपेंडेंट डे? ये आपको इस वीडियो में दिखाने जाऊंगा कि आखिरकार जब सुप्रीम कोर्ट ने वो उपहार की बात की इंडिपेंडेंट डे को लेकर के, उसके बाद मोदी सरकार का क्या रिएक्शन आया, क्या ये जो चीजें होने जा रही, जो ये उपहार है, क्या सरकार दे पाएगी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का उपहार कोई ऐसा वैसा उपहार तो होगा नहीं जो उन्होंने मांगा होगा। चलिए आपको दिखाते हैं इस वीडियो में कि आखिरकार मोदी सरकार से वो कौन सा गिफ्ट मांग लिया यहाँ पर ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। वीडियो के कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दीजिएगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो भी कुछ कहा, क्या आपको लगता है कि वो चीजें इस समय कहीं ना कहीं आखिरकार क्या मोदी सरकार दे पाएगी? क्योंकि आज के हालात जो हैं, जिस तरह से महंगाई और चीजें बढ़ रही हैं, उसको लेकर क्या लगता है आपको कि ये चीजें हो पाएंगी? बताते हैं आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों के आपराधिक मामलों का बोझ कम करने के लिए कुछ हटकर, यानी कुछ अलग हटकर, आउट ऑफ द बॉक्स की बात करें, सोचने की जरूरत की जोर दिया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने जवाब कहा कि जब देश आजादी का 75वां साल पूरा करने के जा रहा है, तब प्रशासन को इस दिशा में कुछ जरूरी कदम उठाने चाहिए। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा, यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को इस पहलू पर विचार कर रही है। अभी आपको गिफ्ट की तरफ चलने, क्योंकि ये बैकग्राउंड और भूमिका, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये उपहार मांगा तो उससे पहले ये भूमिका बनाई और उसके बाद जाकर उपहारों की बात की। तो इस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार इस पहलू पर विचार कर रही है कि यह संकेत भेजने के लिए कि साल स्वतंत्रता दिवस पर पहले कुछ प्रतीकात्मक किया जा सकता है। जस्टिस एस के कौल और जस्टिस एस सुंदर जो सुंदरेश की पीठ ने कहा है कि अदालतों को आपराधिक मामलों के बोझ जो है एक महत्वपूर्ण पहलू है और आपराधिक मामलों के अपील के लंबे समय से लंबित रहने से संबंधित मामलों की सुनवाई में देरी पीठ से टिप्पणी की है। इस बीच आपको बता दें, उन्होंने एक चीज लाइन बोली कि 15 अगस्त को पहले कुछ अच्छा हो जाए, ये लाइन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोली। पीठ के अतिरिक्त सॉलिसिटर जो जनरल हैं SASG जो हैं, उनके KM नटराजन ने कहा कि यदि संबंध में इस साल कुछ किया जा सकता है तो उसका बड़ा सकारात्मक प्रभाव होगा। पीठ ने SSG से कहा, लीक से हटकर सोचिए, यदि आप कर सकते हैं तो सरकार को स्वतंत्रता दिवस से पहले कुछ करने के लिए राजी कीजिए। इसके लिए एक संकेत, यहां पर एक संकेत जा सकता है। शीर्ष अदालतों ने पिछले हफ्ते दोषियों की अपील लंबित रहने तक, उनके जमानत तक, आवेदनों की सुनवाई में काफी देरी से नाखुशी प्रकट की थी और यह भी कहा था कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खिंचाई की थी कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचना शुरू कर दें और तुरंत निपटारे के लिए छुट्टी के दिन भी बैठना शुरू करना चाहिए। शीर्ष अदालतों में यह भी कहा था कि आखिरकार जो इस समय चीजें चल रही हैं वो कहीं ना कहीं न्यायालय के उसे संभालना बड़ा मुश्किल लग रहा है, तो वह अतिरिक्त बोझ उठाने के लिए अपने आवेदनों को मंगाने का तैयार रखें। शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय के SSG ने कहा कि हम 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाए जा रहे हैं कि क्या राज्य एवं भारत सरकार कुछ अलग कदम उठा सकते हैं। इस बीच नटराजन ने कहा कि प्राधिकार का इस तरह का तौर तरीका कर रहा है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने भी इस मुद्दे को लेकर हाल में बोला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जुलाई को कहा था कि भारत जब अपनी स्वतंत्रता के 75वें सालगिरह पूरा कर रहा है, साल मना रहा है, तो उस समय न्याय सुगमता जो है सुगमता जीवन सुगमता जितना महत्वपूर्ण है। यहाँ अखिल भारतीय जिला विधिवक सेवा प्राधिकरण के बैठक में संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यायपालिका से विचाराधीन कैदियों की रिहाई में तेजी लाने की अपील की थी। पीठ ने शुक्रवार को कहा कि यदि हर आपराधिक मामले जो है शीर्ष अदालत में तक आना है तो कुछ लीक से हटकर सोचने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि 20 या 25 साल सलाखों के पीछे रहने का क्या तुक है। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि समस्या यह है कि हम केवल दंडात्मक हिस्से को देखते हैं, सुधारवादी पक्ष हम देखते ही नहीं है। पीठ ने कहा, हम केवल किसी को लंबे समय तक जेल में रख नहीं सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चिंताजनक बात यह है कि यदि अपील मंजूर की जाती है तो कौन इन सालों को लौटाने जा रहा है। कोर्ट का कहना था कि जिसने गुनाह किया है
उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन लंबी मुकदमेबाजी इसका हल नहीं है। साफ तौर पर इसको लेकर के प्रधानमंत्री इस समय मोदी सरकार से ये सुप्रीम कोर्ट ने ये सीधे तौर पर उन्होंने यहाँ पर मांगा है कि सुप्रीम कोर्ट क्या मोदी सरकार इसके लिए जो लंबित फाइल उसको है इसको लेकर के कोई फैसला ले सकती है। ये बड़ा सा है और क्या सरकार इस पर जवाब दे पाएगी, जो अपने कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर लिखिए। और क्या मोदी सरकार, क्योंकि ये बड़ा ऐसा विषय है जिसको कहीं ना कहीं इसको लेकर के एक बहुत लंबी चर्चा है, क्योंकि देश देश में न्यायालय में जितने चीज़ें पड़ी हुई हैं, जितने आप समझ सकते हैं कि जितने केसेज हैं, उन केसेज को सॉल्व करने में और हर दिन कहीं ना कहीं उसके ऊपर बोझ बढ़ता जा रहा है। और न्यायालय फैसला क्या सुनाता है, सिर्फ तारीख पे तारीख आता है, और क्या वो तारीख पे तारीख आने के लिए बाद जो व्यक्ति वाकई में अपराधी नहीं है और अगर वो जेल में है तो उसका वापसी कौन करेगा उसके दिनों की। माननीय सुप्रीम कोर्ट में साफ तौर पे कहा गया है, ये जो बात कही कि 20 से 25 साल अगर किसी को कोर्ट में चक्कर काटने पड़ते हैं या कोई जेल में रहता है उसके बाद कोई फैसला आता है तो क्या वो 20 से 25 साल देगा कौन, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है आखिर। उसके लिए जिम्मेदार मेरे ख्याल से न्याय व्यवस्था है, सरकारें हैं, और सरकार और न्याय व्यवस्था का बीच में पिस करके वो व्यक्ति आखिर इसका जवाब सरकारों को देखना चाहिए, इसके लिए कुछ सकारात्मक कहीं ना कहीं सुझाव और सकारात्मकता की ओर पढ़ना चाहिए। ये मोदी सरकार से आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह अपील की है, और ये अपील मुझे लगता है जायज भी है। और आप सभी से भी हम चाहेंगे कि क्या अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा है क्या उस पर आप क्या कुछ कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।